दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम श्रीलंका को तीसरे टेस्ट मैच में हराए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका को आखिरी टेस्ट मुकाबले में खदेड़ने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हम्बनटोटा स्टेडियम पर रख दिए अपने कदम। आखिर जीत लिया है, टॉस हो चुका है, मुकाबला शुरू। क्या उतरी है नई प्लेइंग 11 टीम, किसने बना लिए कितने रन, कौन पहुंच गया शतक के करीब, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम तीसरा टेस्ट मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला, जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, वो आखिरकार शुरू हो ही चुका है। वहीं हम आपको बता दें कि यह मुकाबला अब महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हम्बनटोटा में खेला जा रहा है, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा यही कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की टीम को हराकर उनको पछाड़ा जाए और क्लीन स्वीप किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय डी सिल्वा की भी यही कोशिश रहेगी कि वो किसी भी हाल में भारतीय टीम से अपनी हार का बदला लें और टीम इंडिया को करारी शिकस्त दें। लेकिन दोस्तों ऐसा कर पाना शायद श्रीलंका इस जन्म में तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में बता दिया है कि चाहे उनके आगे श्रीलंका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें, वो हर टीमों को हराने का अब दम रखते हैं। और हमारी प्लेइंग 11 टीम में भले गेंदबाजों को यहाँ थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने अपना जोश दिखाते हुए श्रीलंका की टीम को एक तरफा मुकाबलों में हराया। वहीं दोस्तों अगर आप भी यह मुकाबला तीसरा टेस्ट मैच का पहला दिन लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी इस मुकाबले को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में देख पाओगे। वहीं बात की जाए अगर मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला चुनेंगे, क्योंकि दोस्तों हम्बनटोटा की यह पिच पहले बल्लेबाजों को काफी मदद करती है। और टीम इंडिया ने अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी के आधार पर 400 रन के ऊपर स्कोर को पहुंचा दिया तो भारत को काफी बढ़त मिल जाएगी। और श्रीलंका के बल्लेबाजों में इतना दम नहीं है कि वो 400 रन इन मैदानों पर बना भी सके। वहीं अगर प्लेइंग 11 टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों यहां पर अगर भारत की प्लेइंग 11 टीम जाने तो रोहित शर्मा ने जिस खिलाड़ी को उतारा है उसमें यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं फिर मध्यम क्रम में विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। तो वहीं फिर गेंदबाजी में कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, बुमराह और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यह भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि श्रीलंका को पूरी तरह हराने के लिए तैयार है। वहीं दोस्तों अगर श्रीलंका की प्लेइंग 11 टीम के बारे में भी जान लें तो दोस्तों यहां पर श्रीलंका के लिए पारी की जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें निशान मधुशंका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, धनंजय डी सिल्वा, कमिंदु मेंडिस, मिलन रत्नायक, प्रभात जयसूर्या, असीता फर्नेंडो और विश्वा फर्नेंडो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही है प्लेइंग 11 टीम भारत और श्रीलंका की जो कि उतरती हुई नजर आ रही है मैदान पर। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम तीसरा टेस्ट मैच जीतने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।